मैंने आज क्लास 10वीं कक्षा का हिंदी क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड पढ़ रहे हैं और उसमें पाठ 14 एक कहानी यह भी और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मनु भंडारी जी का जीवन परिचय। तो मनु भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की पढ़ाई हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आज तक दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे और स्वतंत्र रूप से हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी जी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु और आपकी कहानी संग्रह है आपका बंटी, महाभोज, महाभोज है उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी कुछ पटकथाएं भी लिखी और हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन किया। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता राजस्थान और संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल है। मनु भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास हो, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब हम मनु भंडारी का परिचय देखने के बाद देखेंगे इस पाठ का सारांश। पाठ का सारांश एक कहानी यह भी है कि प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भनपुरा गांव में हुआ, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में के एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे, वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता उनकी घटती चली गई और वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्ति हो गए। तब तक भी अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी लिखी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। 5 भाई-बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखिका की उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए
मिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें इस बहस में बैठाते जिससे उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जागे। लेखिका के मन में देशभक्ति की भावना जागी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज की प्रथम वर्ष में हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 से 1947 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़ताल, जुलूस व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर खुश हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से कही जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा तो उनके पिता गुस्सा हो गए, परंतु रात को जब वही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा तो लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज में लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में पुर्दंग के कारण निषिद्ध कर दिया गया, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना पुर्दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना भी पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आजादी की खुशी है। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। अब हम इसमें देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। अहमवादी, अहंकारी, आक्रांत, संकटग्रस्त, भग्नावेश, खंडहर, वर्चस्व, दबदबा, विस्फाटित, फैलाकर, महाभोज, मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास, निहायत का बिल्कुल, व्यवस्था का मजबूरी या लाचारी, आसन्न अति थोड़ा पहले ही बीता या भूतकाल, यश लिप्ता, सामान्य सम्मान की चाह, अचेतन, बेहोश, शक्की, वहमी, बेपड़ी, अनपढ़, ओहदा, पद, हाशिया, किनारा, यातना, कष्ट, लेखकीय लेखन से संबंधित, गुंथी हुई पिरोई, भन्ना भन्ना, बार बार क्रोधित होना, प्रवाह गति प्राप्त करना, भन्ना भन्ना, बार बार क्रोधित होना, दायरा, सीमा, वजूद, अस्तित्व, जमावड़े, बैठके, शगल, शौक, अहमियत, महत्व, बकायदा, विधिवत, दकियानूसी, पिछड़ा, अंतर विरोध, दन द्वंद, रोग, दबदबा, भभकना, अत्यधिक क्रोधित होना, धुरी, अक्ष, छवि, सुंदरता, चिर मतलब सदा, प्रबल, गर्भवती, लोग उतारना, चुगली करना, थूथू, शर्मसार होना, मत मारी जाना, अकल काम न करना, गुबार निकालना, गुस्सा निकालना या मन की भड़ास निकालना, चपेट,
ढूंढना, मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, जड़े जमाना अपना प्रभाव जमाना, भट्टी में झोंकना अस्तित्व मिटा देना, अंतरंग मतलब आत्मिक। कठिन शब्दों के अर्थ के बाद अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। एक कहानी या भी के कुछ प्रश्न उत्तर है, अब हम उनको देखेंगे। प्रश्न पहला, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा? उत्तर है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो लोगों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया, और ये दो लोग हैं। पहला है पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। पहले वह उनको उनके रंग के कारण उनको पसंद नहीं करते थे। वे लेखिका की तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया और देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने में योग्य बनाया। दूसरा है अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को वह साहस और आत्मविश्वास भर दिया, जिससे उनकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। अब है कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई में भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? यह जो आत्मकथा है, एक कहानी या भी में लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया, क्योंकि उनके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चौके चूल्हे तक भी सीमित रह जाती हैं और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पाए। फिर जब प्रश्न की वह कौन सी घटना है जिसके बारे में सुनने पर लेखिका ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया और ना ही अपने कानों पर? लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा, जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए और कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाकर प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने यह कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद हो गए और जब यही बात लेखिका की माँ को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को विश्वास ही नहीं हो पाया। अब है प्रश्न कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी। लेखिका और उनके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानताएं भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे कि यह सब घर की चार दीवारी में रहकर हो, जो संभव
वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठा कर नारे लगाए, जुलूस निकालकर हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को अपने घर की चार दीवारी तक सीमित आजादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव और मतभेद वैचारिक मतभेद का कारण। अब है प्रश्न कि इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित करिए। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से लेकर 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आजादी पाने के लिए जगह जगह पर हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस और प्रभात फेरियां निकाली जा रही और इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू जी भी अछूती नहीं थी। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठा कर भाषण देती, हड़ताले करवाती और अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। फिर प्रश्न की लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। उत्तर है कि लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थी। लड़कियों की आजादी घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर के बाहर। लेखिका के बचपन अर्थात वर्ष 1929 के आसपास का समय और आज के समय की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। आज शहरी क्षेत्रों में लड़के लड़कियों में भेद नहीं है। वे पढ़ने लिखने खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं है। उनका प्रदर्शन दिनों में निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल मना थे आज उनमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब ये प्रश्न, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते। इस विषय में आप अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान है और यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं और यही से व्यक्ति में पारस्परिकता, सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों का पुष्पन पर्यवन होता है। पड़ोस कल्चर के कारण कभी अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाता। फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सिमट कर रह गए। वे पास पड़ोस विशेष अभिप्राय नहीं रखते। लोगों में आत्मकेंद्रिता इस तरह बढ़ गई है कि उन्हें एक सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रह जाता। इससे सामाजिक भावना एवं मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लग रहा है।